अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो गर्मी के तोड़ के लिए आज मैं आपको लेके आई हूँ समंदर पे। आइए इंजॉय कीजिए कराची के एक बहुत ही पुरफजा मकाम सी व्यू पर, जहाँ पे कराची वाले जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे सभी फैमिली के अफराद जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं आपको कैसे यहाँ भूल सकती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे आपके साथ जल्दी से एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। तो जल्दी से मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेती हूँ, वो ये कि अक्सर ख़वातीन जब मेरे पास आती हैं अल्ट्रासाउंड करवाने और मुझसे पूछती हैं कि हमारी प्रेगनेंसी का कितना टाइम हो गया या कितने महीने हो गए, और मैं उन्हें बताती हूँ कि आपके फ़र्ज़ करें 20 हफ्ते हो गए, या फ़र्ज़ करें मैं बताती हूँ कि 34 वीक्स हो गए, तो वो मुझसे पूछती हैं ये बताइए महीने कितने हो गए। या जब मैं उन्हें बताती हूँ कि भाई आपका 8वां महीना है या 7वां महीना है, तो वो मुझसे पूछती हैं कि वीक्स कितने हो गए। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़ रहते हैं वीक्स और महीनों के बारे में। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ के वीक्स और महीनों का क्या ताल्लुक़ होता है। देखिए, शुरू के जो 4 हफ्ते होते हैं 1-4 वीक्स तक, ये होता है आपका पहला महीना प्रेगनेंसी का, ठीक है। इसके एंड पे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप अपना यूजुअली प्रेगनेंसी का टेस्ट करवा रही होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब नेक्स्ट दूसरा महीना शुरू होता है, वो होता है 5 वीक्स से लेके 8 वीक्स तक। 8 वीक्स जब आपके पूरे होते हैं, यानी दूसरे महीना एंड हो रहा होता है, तो अब आपने अपना करवाना है पहला अल्ट्रासाउंड। तीसरा महीना शुरू होता है 9th वीक से, यानी 9वें हफ्ते से। 9 वीक से लेके 13 वीक्स तक आपका तीसरा महीना होता है, और जब ये तीसरा महीना एंड हो रहा हो तो आपने अपना दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, जो कि होता है एंटी स्कैन का अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, ये आपके शुरू के 3 महीने ख़त्म हो गए, ये कहलाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने का दौरानिया। उसके बाद शुरू होता है प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राइमेस्टर, जो कि अगेन 3 महीनों पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें जो है वो 4th महीना आपका शुरू होगा वीक 14 से। तो वीक 14 से 17 तक आपका 4th महीना होगा। उसके बाद वीक 18 से 22 तक आपका 5वां महीना होता है। इस महीने में आम तौर पे आप अपना एनोमली स्कैन करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 23 वीक से लेकर 27 वीक तक आपका होता है 6ठा महीना, और यूँ आपके प्रेगनेंसी के बीच के 3 महीने यकीन सेकेंड ट्राइमेस्टर भी ख़त्म होता है। उसके बाद शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर। इसमें भी 3 महीने होते हैं, तो 7वां महीना आपका शुरू होता है 28 वीक से। 28 वीक से लेकर 31 वीक तक आपका 7वां महीना होता है, और फिर 32 वीक से लेकर 35 वीक तक आपका 8वां महीना होता है, और 36 वीक से लेकर 40 वीक तक आपका होता है 9th मंथ लास्ट महीना, और 40 वीक पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम हो जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।